गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी मैं सुबह सुबह दुकान आ गया हूँ। कल रात में जितने कपड़े थे बिखरे हुए उसे मैं समेट रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगा। सुबह सुबह बोनी हो चुका, ठीक है, 100 रुपया। एक बेल्ट बेचा मैंने अभी, तो कस्टमर आया था, कस्टमर को मैंने 120 रुपये बोला। कस्टमर बोला भैया 100 रुपया में नहीं होगा, हाँ मतलब ले लो, सुबह सुबह बाजार ले लो, कोई टेंशन नहीं है, तो दे दिया। पहला कस्टमर और लास्ट कस्टमर का इज्जत अलग होता है। मैं मार्केट से एक आर्टिकल लेकर आया था, यानी कि एक कपड़ा लेकर आया था, ब्लैक शर्ट एंड वाइट शर्ट। वो शर्ट मुझे मिल नहीं रहा है, पहले उसे खोजते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अगर नहीं मिला तो कम से कम 2000 रुपये का नुकसान हो जाएगा मेरा। और नहीं मिलना बात ये नहीं है कि माल गया कहाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो है ये सी ब्लैक शर्ट है, वैसे ही इसमें 3 पीस ब्लैक था और 3 पीस वाइट था। वो माल मिल नहीं रहा है मेरे को, देखते कहाँ गया वो माल, आखिर जाएगा कहाँ, होगा तो दुकान में ही होगा ना। पता ये सब शर्ट लाए थे ना, ये शर्ट में थोड़ा ठगा गए हम, यहाँ पे दाग है कॉलर के पास में, मैंने उसमें देख कर लाया नहीं, और वो लोग लाट बना कर दे देते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। पहले ये वाला आर्टिकल खोजते हैं, इसमें है नहीं, इसमें बस स्ट्रेचेबल वाला है, बाकी रहा ये माल, तो इसमें तो वो माल है ही नहीं, तो वो माल गया कहाँ आखिर, इसके अंदर तो नहीं है ना, हाँ इसी के अंदर है, ये रहा। मैं बात करता ना ये आर्टिकल का, ये वाइट शर्ट है, उसको बोला था मैंने कि एल और एक्सेल मिला के देना, तीनों एक्सेल ही दिया है। देखिए ये एक्सेल रहा, ये एक्सेल रहा और ये भी एक्सेल रहा, क्या करता है वो लोग समझ में नहीं आता है मेरे ख्याल से। ब्लैक में तो एल दिया है, ब्लैक में एल और एक्सेल मिला के बोला था, तो ये एल दिया है, ठीक है, ये एल है। ये एक्सेल है और ये भी एक्सेल है, ठीक है, इसमें तो ठीक है, लेकिन व्हाइट वाला में पूरा लाइक एक्सेल ही भर दिया। ये सब बेकार लगता है, पता है, जैसे दुकानदार जो बेचते हैं ना वो लोग अपने बुद्धि लगाते हैं, आप नहीं देखते हो तो आपको थोड़ा सा मैं ठगा देता हूँ। मार्केट में ना सब कुछ देख कर लेना पॉसिबल नहीं होता, वहाँ पे इतना हड़बड़ी रहता है ना कि आप एक्सेल बोले एक्सेल का बंडल दे दिया, एल के बोले एल का बंडल मिला, और बोले मिला के एम एल एक्सेल मिला के देने के लिए तो वो मिला कर देता है, लेकिन आपको देखना पड़ता है, जो मैंने देखा नहीं, देखिए मेरे साथ गलती हो गया। दुकान पर आया है, खाना लेकर आया है, तो पहले खाना खा लेता हूँ, खाना खाने के बाद एक जगह मार्केट निकलना है कुछ सामान लाने के लिए, तो उसके बाद आपसे बात करते हैं। खाना वगैरह खाकर दुकान में बैठा हूँ, कस्टमर कोई नहीं है, एक कस्टमर आया था जो सुबह में वो नहीं होता, मैंने आपको दिखा दिया था, और अभी चुपचाप बैठा हूँ। तो अभी मैं थोड़ा निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे बैंक जाना है, भाई दुकान पर है और मैं जा रहा हूँ अभी बैंक, क्योंकि बैंक के कुछ काम है वो भी करना है, तो चलिए पहले बैंक चलते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों अभी शाम को बज रहे हैं 7, मैं अभी दुकान आया हूँ, दोपहर में बैंक गया था, बैंक के बाद मैंने वीडियो बनानी, बैंक में क्या वीडियो बनाऊंगा, उसका शाम को अभी दुकान आया हूँ। दुकान आने से पहले मैं गया था मार्केट कपड़ा लाने के लिए, नहीं बेल्ट लाने के लिए, यानी कराटे का बेल्ट लाने के लिए। कैसा बेल्ट लाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये कराटे का बेल्ट होता है, रेड बेल्ट एंड ब्लू बेल्ट, ये रेड रहा और ये ब्लू रहा, लाइक आका आका एंड आओ, दो बेल्ट होता है, यानी कि आका का मतलब होता है रेड कॉर्नर, तो आओ का मतलब होता है ब्लू कॉर्नर, तो दोनों बेल्ट। ये चैम्पियनशिप का बेल्ट होता है, कराटे में कोई बेल्ट रेड और ब्लू बेल्ट होता नहीं है, चैम्पियनशिप का बेल्ट है, बच्चे लोगों को कल इसको मॉर्निंग में जब क्लास होगा क्लास में देना है, तो उसके लिए मैं गया था इसको लाने के लिए मार्केट। दोस्तों बाज़ार है नहीं, बाज़ार बहुत गंदा चल रहा है, यानी कि दुर्गा पूजा के बाज़ार में भी कोई कस्टमर नहीं है, खड़े हैं चुपचाप, ठीक है, देखते हैं कोई कस्टमर आता है तो जैसा आता है आपको साथ शेयर करेंगे, बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आज मैंने कितना का बिक्री किया है, तो वीडियो का इन तक जरूर देखिएगा। उसके अंदर में एक बहुत सी खतरनाक छिप गली है,
पता नहीं आप देख पा रहे होंगे नहीं, इसके अंदर में छिपकली है यार, डर लग रहा है छिपकली देखते यार। तो अभी एक कस्टमर आया था जिसने ये वाला टी शर्ट देखा था और उसे पसंद भी आया था। उसके बाद एक छोटी बच्ची थी, उसकी बच्ची को बोला कि भाई ये वाला टी शर्ट अच्छा लग रहा है क्या, तो बच्ची को ये वाला कलर अच्छा नहीं लगा, ये वाला अच्छा लगा कलर। तो कस्टमर पता क्या किया, दोनों में से कोई नहीं लिया, चला गया। बताइए ऐसा ऐसा तो कस्टमर होता है। चलिए ठीक है, दुकान का थोड़ा बहुत ऐसा समझता है, उसको ठीक करते हैं पहले। तो अभी एक कस्टमर आया था, वो तीन चीज़ लेकर गया, एक कॉटन का पैंट, एक टी शर्ट और एक ट्राउज़र, तीन चीज़ ले गया। 1450 रुपये का बिल बना था, ठीक है। कस्टमर इतना अच्छा था कि बार्गेनिंग नहीं किया अभी तक, भाई तुमको जो दाम लेना ले ले, पर फिर भी मैं अपने मन से 50 रुपये कम कर दिया। बाकी दुकान का हालत ऐसा को रखा है, चलिए पहले इसे सजाते हैं। और फ़ोन में चार्ज भी नहीं है, फ़ोन को चार्ज में भी लगाना है। तो अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं दुकान में बैठा हूँ। बाहर दुकान का कपड़ा जो एकदम कॉर्नर के तरफ में था उसको मैं लाइक साइड साइड कर दिया हूँ, दिखाता हूँ आपको। जो बीच का डिस्टेंस था वो काफ़ी क्लोज था, तो मैंने थोड़ा कपड़े को उस साइड में, उस साइड और इस साइड वाले को इस साइड कर दिया, क्योंकि कस्टमर को दुकान दिखता नहीं था। तो अभी कस्टमर कोई भी रास्ते से जाएगा तो उसको दुकान पूरा दिखेगा, वो देख पाएगा कि दुकान के अंदर में कौन कौन सा माल लगा हुआ और क्या है। अभी 2 केक लेकर आया हूँ, बहुत जोड़ों की भूख लगी थी। अभी 1 घंटा और है घर जाने में, तो केक को खाएंगे क्योंकि मुझे बहुत जोड़ों की भूख लगी और लगभग 10:30 बज ही चुके हैं। तो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। अभी एक लड़की आई थी, वो बॉक्स पैकिंग शर्ट लेकर गई है, ठीक है। तो बाकी दिन की बात करें तो 2500-2600 रुपये का बिक्री हुआ है आज। तो घर चलते हैं, और क्योंकि भूख ज़्यादा लग गया यार, अब रात में 11:30 भी बज रहे हैं, घर जाते थे 12 बज ही जाएगा। तो कपड़े जो बाहर हैं उसे अंदर करता हूँ और शटर डाउन करके घर चलते हैं।